हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। अब ये अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा डिलेमा होगा, स्कूल टेस्ट दूँ नहीं दूँ, इंटरनल्स में मार्क्स ऐड होंगे नहीं होंगे। तुम्हारे स्कूल वाले ये भी बोलते होंगे कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के सिर्फ 5 मार्क हैं। वैसे तो बोर्ड ईयर में सिर्फ वो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वही काउंट होते हैं, बट बहुत सारे स्कूल्स बच्चों को डराते हैं कि ये जो हमारे पीटी चल रहे हैं ना, हम इनको परसेंट में ला ला के कम करके 5-5-5 मार्क्स इनके भी रखेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, 20 मार्क्स तुम्हारे प्रोजेक्ट के ये होता है। बट अभी ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि स्कूल टेस्ट नहीं देने, पूरी बात मैं बताऊँगी। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो एंड ये वीडियो शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि स्कूल टेस्ट मत दो। स्कूल टेस्ट अभी तुम्हें बहुत कंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब जिस लेवल पे तुम हो उससे अगर तुम बहुत आगे का एम कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, स्कूल टेस्ट तुम्हारे लिए परफेक्ट चीज़ है अभी। अब कैसे? क्योंकि इसमें तुम्हारा बढ़िया सा रिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़िया सा रिवीजन हो जाता है, चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन हो जाता है। एक चैप्टर पढ़ोगे या 2 चैप्टर मैक्सिमम पढ़ोगे टेस्ट के लिए, सफिशिएंट टाइम मिलता है, प्रॉपर रिवीजन हो जाता है एंड तुम उस चैप्टर को इन डेप्थ भी पढ़ सकते हो, है ना। तो मतलब अगर तुम देखो कि तुम्हारे साइंस का सिलेबस, जैसे फिजिक्स में 4 चैप्टर हो गए, तुम्हारे बायो में 3 चैप्टर हो गए, तो आते मैक्सिमम 2-2, 3-3 चैप्टर ही हैं। उस हिसाब से फिर आपका रिवीजन बहुत बढ़िया चलता रहता है एंड आप बहुत इन डेप्थ चीज़ें पढ़ सकते हो क्योंकि एग्जाम में हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि जो आपका पेपर फॉर्म हो रहा है वो भी एक बहुत अच्छी, एक हाई क्वालिफाइड फैकल्टी ही सेट कर रही है, क्योंकि आपके स्कूल की फैकल्टी ऑफकोर्स अच्छी होगी एंड वो क्या करेंगे, वो स्कूल में काफ़ी टाइम से हैं, सो दे नो एग्जैक्टली हाउ द पेपर इज़ फॉर्म्ड। उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड बहुत अच्छा पेपर सेटिंग उनको आदत है ना। वो अच्छा पेपर एक आपको सेट करके देंगे, तभी पेपर आपको एक बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी से मिलेगा एंड मोस्टली पीरियोडिक टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक एक हफ्ते का गैप मिलता है, तो उसमें आपका जो रिविजन है वो बहुत हार्ड कोर, बहुत इनडेप्थ होता है, जो बाद में जाके आपको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है ना। सो इज़ इन दिस अमेजिंग। तभी मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने स्कूल टेस्ट मिस मत करो, इसको बिल्कुल लाइटली मत लो, ये तुम्हारा बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का टाइम है, इस पर मेहनत करो, बाद की लास्ट के 2-3 मंथ बहुत ईजी रहेंगे, ये बात मेरी ट्रस्ट कर लो, ठीक है। बाद में सिर्फ तुम्हारा रिविजन बचेगा, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग।